इस वक्त इमरान खान की गाड़ी मौजूद है। लाहौर हाई कोर्ट के बाहर के मनाजिर भी जहाँ पर कारकुनान की तादाद मौजूद है बहुत बड़ी, और इमरान खान को अब गाड़ी से निकाल कर लाया जाना है कमरे अदालत में, जहाँ पर वो जस्टिस अली बाकर नजफी की अदालत में डिवीज़न बेंच पे पेश होंगे, जहाँ पर इंसदाद दहशतगर्दी के जो हवाले से उनकी हिफाजती ज़मानत है उसमें उन्हें पेश होना है। उनके वकील अज़र सिद्दीक एडवोकेट ने अदालती अमले से कहा है कि जज साहब को आगाह कर दें कि इमरान खान इस वक्त अहाता है अदालत में मौजूद हैं। नमाज मगरिब के बाद इस केस की समाअत होनी थी, बताया गया कि जस्टिस अली बाकर नजफी नमाज अदा कर रहे हैं मगरिब की, उसके बाद इस केस की समाअत का आगाज़ किया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा कारकुनान वो साथ हैं इमरान खान के, और कुछ लोग इस वक्त कमरे अदालत में मौजूद हैं उनके वकला के साथ, लेकिन बहुत बड़ी तादाद है जो इस वक्त इमरान खान की गाड़ी के साथ मौजूद हैं, और इमरान खान इस वक्त गाड़ी में मौजूद हैं। अब देखा जाना है कि कितनी देर के बाद इमरान खान को कमरे अदालत ले जाया जाता है और कब तक इमरान खान को ले जाया जाएगा, लेकिन अदालती हुक्म पर इमरान खान इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट पहुँच चुके हैं। मुनीर बाजवा हमारे साथ मौजूद हैं। जी मुनीर, क्या अपडेट्स हैं ताज़ा तरीन आपके पास? बिल्कुल, इमरान खान लाहौर हाईकोर्ट के हाथे में पहुंच चुके हैं और इसकी इतला जो कि कमरे अदालत में मौजूद हैं, उन्होंने अदालती अमले को कहा कि फाजिल जज को ये आगाह कर दे कि वो इमरान खान अहाता अदालत में पहुंच चुके हैं। तो जो उनकी जानब से कहा गया था कि अगर इमरान खान अदालत ना पहुंचे तो इस वो नहीं होगी, तो इस खदशे को दूर करने के लिए इमरान खान के वकील अज़र सिद्दीक ने अदालती अमले को ये कहा कि फाजिल बता दें कि इमरान खान अहाता अदालत में और कबर अदालत में इमरान खान की जो प्रोटेक्टिव बेल की फाइल है वो भी पहुंचा दी गई है, और इस कबर अदालत में सेनेटर शिली प्लास जो थे वो आए थे और वकला से मुलाकात करने के बाद वो दोबारा रवाना हो चुके हैं, और इमरान खान और हाईकोर्ट के अहाते में अभी गाड़ी में ही मौजूद हैं, क्योंकि इनके इर्द गिर्द जो उनके कारकुनान हैं जो वकला हैं उनका काफ़ी हजूम है। ठीक है मुनीर, हमारे साथ ही रहिए और आप देखिए नाज़रीन के लाहौर हाईकोर्ट के अहाते के इमरान खान को ले जाने के लिए अंदर अहाते अदालत में मौजूद है इमरान खान की गाड़ी, लेकिन उसके साथ साथ बहुत बड़ी तादाद में कारकुनान मौजूद हैं गाड़ी के साथ साथ जो कि अंदर दाखिल हो गए, और यहाँ पर धक्कम पेल हो रही है। इमरान खान अभी तक गाड़ी से उतर नहीं पाए हैं, ना सिर्फ उनको गाड़ी से उतरना है, व्हील चेयर पर बैठना है, उसके बाद उन्होंने अंदर दाखिल होना है। इसी पर बात कर लेते हैं, हमारे नुमाइंदे अब्दुल रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल रहमान, नमाज का वक्फा था, नमाज अदा कर रहे थे फाजिल जजेस, अब क्या सूरत हाल है अंदर की? इमरान खान जो है वो तकरीबन 10 से 12 मिनट हो गए हैं लाहौर हाईकोर्ट पहुंचे हुए, मगर अदालत के अंदर तक नहीं पहुंच पाए। उसकी वजह ये है और कारकुनों की बहुत बड़ी तादाद जो है वो मौजूद है, जो कि सुबह से ही यहाँ पे पहुंचना शुरू हो गए थे, और इमरान खान की एक झलक देखने के लिए वो बड़े बेताब है, और उनकी जानब से जो ही इमरान खान की गाड़ी उनको दिखाई दी तो वालहाना तौर पर उन्होंने जोशो खरोश से नारेबाजी शुरू कर दी, और यहाँ ये बताता चलो कि वकला की जानब से अदालत के अंदर और बाहर भी नारेबाजी की गई है, और लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस तारिक सलीम शेख की अदालत का जो अमला है वो भी कमरा अदालत में पहुंच चुका है, और इमरान खान जो है वो अटॉर्नी जनरल के करीब उनकी गाड़ी जो है वो आके लाहौर हाईकोर्ट के हाथे में रुकी है, और ये अटॉर्नी जनरल ऑफिस से लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस तारिक सलीम शेख की अदालत का जो फासला है वो तकरीबन 100 मीटर का फासला है, और इसी तरह जो दो रुकनी बेंच जहाँ पे इमरान खान ने दूसरी अदालत में पेश होना है वो तकरीबन 200-250 मीटर का फासला है, तो तकरीबन 12 से 15 मिनट हो चुके हैं इमरान खान को यहाँ पे पहुँचे हुए, मगर अभी तक रश और कारकुनों के जो यहाँ पे मौजूद हैं उनकी वजह से इमरान खान अभी तक अपनी जो कहा ये जा रहा है कि अपनी गाड़ी से भी नहीं उतर पाए, तो इस तरह काफ़ी जो इम्कान है कि काफ़ी देर तक ही इमरान खान जो है वो 100 मीटर या की अदालत का जो फासला है वो बड़ी देर में जो तय करेंगे, और इस वक्त वकला भी कमरा अदालत में उनकी जो उनका शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं, और अदालती अमला भी यहाँ पे मौजूद है। जी ठीक है अब्दुलरहमान, तो इसका मतलब है कि वो करीब हैं तारिक सलीम शेख साहब के अदालत के, लेकिन जस्टिस अली बाकर नजफी की जो कमरा अदालत है आप बता रहे हैं कि वो कदरे दूर है यहाँ से, तो इसका मतलब है कि पहले फिर वो डिवीजन बेंच पे पेश हो रहे हैं या सिंगल बेंच पे पेश हो रहे हैं? जी चूँकि जो अदालती जो डेकोरम है उसके तहत तो
उनको डिवीजन बेंच के रूबरू ही पहले पेश होना है और उसके बाद वो सिंगल बेंच के रूबरू पेश होंगे। ताहम इसी हवाले से अजहर सदीक एडवोकेट और वकला की जो टीम है उनकी जानब से लाहौर हाईकोर्ट के सिंगल बेंच को भी आगाह किया गया है बाजाबता तौर पर कि पहले जो है वो इमरान खान डिवीजन बेंच के रूबरू होके अटॉर्नी जनरल ऑफिस से जिसका फासला जो है तकरीबन 250 मीटर के फासले पे है और इस तरह अगर देखा जाए तो इमरान खान तकरीबन आधे से पौने घंटे के दरमियान जो है वो ये 250 मीटर का फासला जो है वो तय करेंगे क्योंकि अभी तक इमरान खान को पहुंचे हुए 15 मिनट से जायद का वक्त हो चुका है और वो अपनी गाड़ी से बाहर नहीं निकल पाए उसकी वजह यहाँ पे बहुत बड़ा हजूम है वकला का। ठीक है, अब्दुल रहमान आगाह कर रहे हैं। हम बताएं कि जज साहब कमरे अदालत में पहुंच रहे हैं। अदालती अमले की जानिब से कहा गया, अदालती अमला इस वक्त पहुंच चुका है। अजहर सिद्दीक एडवोकेट और ख्वाजा तारिक रहीम एडवोकेट रोस्ट हो गए हैं। सेनेटर शिबली फराज भी वकला के साथ रोस्टम पर मौजूद हैं लेकिन इमरान खान अभी अपनी गाड़ी में मौजूद हैं और उनको अब कमरे अदालत में ले जाया जाएगा। लेकिन कमरे अदालत में इस वक्त अदालती अमला पहुंच गया है और कुछ ही देर में ये बताया जा रहा है कि जज साहबान कमरे अदालत में पहुँच रहे हैं। अदालती अमला की जानिब से ये बताया गया है और अब ये कोशिश की जा रही है कि इमरान खान को गाड़ी से निकाल कर कमरे अदालत ले जाया जाए। इस वक्त दोनों वकला अजहर सिद्दीक एडवोकेट और ख्वाजा तारिक रहीम वो इस वक्त रोस्टम पर मौजूद हैं कमरे अदालत में। अब पहले उन्हें डिवीज़न बेंच के सामने पेश होना है जिसकी सरबराही जस्टिस अली बाकर नजवी कर रहे हैं और ये व्हीलचेयर जो आप देख रहे हैं ये लाई गई है कि जिस पर इमरान खान को ले जाया जाना है। अब्दुलरहमान हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ हैं। अब्दुलरहमान आगाह कीजिएगा सिचुएशन से। जी बिल्कुल, दो रुकनी बेंच के रूबरू जो है वो कुछ देर बाद समाप्त होगी और इस वक्त वकला की बड़ी तादाद जो हम मौजूद हैं व्हील चेयर जो है वो इमरान खान की गाड़ी के पास पहुंचा दी गई है और इसी व्हील चेयर के जरिए जो है इमरान खान को अदालतों तक लाया जाएगा। इमरान खान जो है दो अदालतों में पेशी के लिए यहाँ पे लाहौर हाईकोर्ट पहुंचे हैं और इमरान खान की जानब से एक दरख्वास्त जो दायर के रूबरू इसी दरख्वास्त उनको जो है वो अदालती हादसे के अंदर तक और कमरा अदालत के बाहर तक गाड़ी के जरिए आने की इजाज़त दी जाए जो कि मुसरद कर दी गई थी जिसके बाद अब ये जो है इमरान खान की जो गाड़ी है वो जीपीओ जो गेट से जो है लाहौर हाईकोर्ट पे पहुंची है और यहाँ से इमरान खान जो है व्हील चेयर के जरिए जो है दोनों अदालतों में पहुंचेंगे। तहम यहाँ वकला की बड़ी तादाद की मौजूदगी की वजह से इमरान खान जो है अभी तक अपनी गाड़ी से बाहर नहीं निकल पाए और वकला जो है उनका बड़ी चैनी के साथ इंतजार कर रहे हैं और वकला की जानब से फूलों के हार और फूलों की पत्तियां भी जो है वो पकड़कर खड़े हैं और इमरान खान के गाड़ी से बाहर निकलने के मुंतजर दिखाई दे रहे हैं। अब्दुल रहमान हमारे साथ रहिए, नाज़रीन मनाज़िर देखिए। इस वक्त इमरान खान जो कि अहाते अदालत में गाड़ी के अंदर मौजूद है, व्हील चेयर पहुंचा दी गई है लेकिन धक्कम पेल हो रही है। वहां मौजूद सिक्योरिटी पर मामूर अहलकार लोगों को पीछे करने का कह रहे हैं, पीछे होने का कह रहे हैं लेकिन लोग जिस तरीके से यहाँ मौजूद है, कारकुनान बहुत बड़ी तादाद में तहरीक इंसाफ के, बार बार ये कहा जा रहा है कि थोड़ा रास्ता बनाएं ताकि व्हील चेयर को यहां से लेके जाया जा सके। व्हील चेयर गाड़ी तक पहुंचा दी गई है। इमरान खान जो कि वहां पर गाड़ी के अंदर ही मौजूद हैं और वकला ये कह रहे हैं कि इमरान खान गाड़ी में ही मौजूदगी पर इस्तदा की जाएगी कि उस मौजूदगी दौरान ही उनकी हकम्बल करवाने की इस्तदा की जाए क्योंकि ये सूरत हाल नाज़रीन आपके सामने है कि इस जमे गफीर में, इस आवाम के समंदर में इमरान खान का गाड़ी से उतरना, व्हील चेयर पर बैठना और उसके बाद फिर अंदर दाखिल होना एक मुश्किल तरीन काम लग रहा है। गो के वहाँ पर मौजूद पुलिस अहलकार जो कि सिक्योरिटी में मामूर हैं लोगों को पीछे हटाने की कोशिश कर रहे हैं, जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं किसी तरीके से।